हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लोर मुंबई। आई एम योर होस्ट शांतनु। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आया हूँ आपको मुंबई के एक और खूबसूरत बीच पे, जिसका नाम है जुहू बीच। देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत नजारा है यहाँ से। ये बीच जो है मोस्ट फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, और जो लोग भी बाहर से मुंबई घूमने आते हैं वो इस बीच पे ज़रूर आते हैं, जिसका रीज़न है यहाँ पे लगने वाली टेस्टी पाव भाजी और पानीपुरी की और भेलपुरी की स्टॉल, और साथ ही यहाँ पर बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स के घर भी हैं जो इसको और भी इंटरेस्टिंग बना देते हैं। फ्राइडे मीन्स वीकेंड, और वीकेंड से लेकर संडे तक हर शाम यहाँ पे आपको बहुत भीड़ दिख जाएगी। वैसे तो हम लोग एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे भीड़ नहीं है, मगर आप दूर दूर तक देखेंगे तो आपको भीड़ ज़रूर दिखेगी। ये बीच मुंबई से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और ये सेंटा क्रूज से विले पार्ले तक फैला हुआ है। और अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको शाम के टाइम यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ चिल आउट करते हुए दिख जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर जुहू के इतिहास की बात करें तो जुहू 1908 तक एक आइलैंड हुआ करता था। अगर आप मुंबई के पुराने मैप को देखेंगे तो आपको बांद्रा और वर्सोवा के बीच एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा दिखाई देगा जो कि जुहू बीच हुआ करता था। 1947 तक जो भी जुहू से पार्ले की यात्रा करना चाहता था उसे लो टाइड के टाइम घुटनों के बल पानी में होकर जाना पड़ता था, और हाई टाइड के टाइम बोट लेनी पड़ती थी। ये बीच आम आदमी के साथ साथ फिल्म डायरेक्टर्स को भी बहुत पसंद है, और हाँ, यहाँ पे बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग भी हो चुकी है, और यहाँ पे बहुत सारे बॉलीवुड सितारे भी रहते हैं जिसमें हमारे महानायक अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, अनिल कपूर जैसे स्टार्स शामिल हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं। चलिए, वहाँ पे बहुत सारा खाने का भी मिलता है जो यहाँ पे, जैसे पाव भाजी, पानी पूरी। चलिए चलते हैं और टेस्ट करते हैं क्या क्या मिलता है, कैसा मिलता है, और आपकी इसकी मेकिंग दिखाते हैं। चलिए मेरे साथ आइए।